हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्त, आप लोग को पता है मैं 90 डेज का एक टारगेट से स्टार्ट किया हूँ जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए RDA नंबर 6 है। डेली गोल में आइए आपको दिखाते हैं। आज का डेट आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे फर्स्ट नंबर में एक मॉक देना है, टायर वन का मॉक देना है टेस्ट बुक से। ठीक है, जो कि मॉक नंबर 1 होगा 2023 का। 22 का मैं बहुत सारा दिया हूँ, 2023 का टेस्ट बुक पे अपडेट हो गया है। सबसे पहला मेरा मॉक होगा 2023 का, मॉक नंबर 1। ठीक है दोस्त, और जितना मतलब 5 दिन में कुछ कुछ जो मेरा टॉपिक छूट गया था, जो जो मैं नहीं कर पाया था, उसको मुझे क्लियर करना है। और थर्ड में आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक जी के एक टॉपिक है, इंडियन फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। ठीक है, इसे आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं भी यूट्यूब से ही देखूंगा। ठीक है, जो कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा पंचम क्लासेस। ठीक है, रिचा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ना। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं टॉपिक बताया मैं वही कल पढ़ूंगा। ठीक है भाई, आप लोग भी साथ में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। एक बार देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि लिंक भाई भेज दो या तो किसी भी तरह का जानकारी, जैसे आप बताते हो इसमें लिख लिख के, आप लिंक मुझे दे देना, इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा पटेल इंस्पेक्टर, तो टेलीग्राम मतलब कि आ जाएगा मेरा, तो वहाँ ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्त, यानी फालतू कमेंट नहीं, जो कि रिलेटेड होगा पढ़ाई से, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्त आप किसी भी दिन मेरा वीडियो देख के टारगेट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। इसके पहले देख लिया मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा कुछ अलग नहीं है, मतलब कभी बच्चा अगर जुड़ेगा ना 20वें दिन में आके जुड़ेगा ना, 20 डेज जो आएगा उसमें भी वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो बताइएगा आपको ये टारगेट सीरीज कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है दोस्त, जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़िए, जैसे कि आपका रिजल्ट जितना जल्दी बना सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।